मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी, फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। फायर होता रहा तब भी जो है 10-15 मिनट तक और फायर हुआ, तो उस दरवाजे से निकला तो कर वो बता रहा कि पीछे से एक बंदा जो है मार रहा था, वो गोली चला रहा था इसी के कुछ कदम की दूरी पे। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने, दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी, फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला। रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने सफारी फायरिंग हुआ है, ड्राइवर को गोली लग गई थी, पायलट उन्हीं को लगा, उसके बाद में कई लोग जो कई जो भक्त लोग थे उनको भी लग गया है, काफी फायरिंग हुआ है बस गिरने के बाद में। शिवखोड़ी के दर्शन के लिए गया था और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे, 2-3 किलोमीटर बस चली होगी, उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर होने लगा, से फायर कर रहे हैं और तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया, और सभी लोग जो है चोटी लोग हैं उसमें कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर कोई बाहर कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था और फायर होता रहा तब भी जो है 10-15 मिनट तक और फायर हुआ। 4 लोग थे, ये चारों लोग ये कि सुरक्षित हैं हमारे, चोट लगा हुआ है सबको लेकिन ठीक है। तो फायर हुआ नज़र उठा उसके बाद तुरंत हम लोग बैठ गए, लेकिन हमको लगता है कि कम से कम 2-3 लोग रहे होंगे सामने से जी, पीछे से तो हमें नहीं मालूम था, लेकिन पीछे से मेरा लड़का जो है थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ था तो जब बस टिक गई पर उसने ये पत्थर पे, तो उस दरवाजे से निकला तो कर वो बता रहा कि पीछे से एक बंदा जो है मार रहा था, वो गोली चला रहा था इसी के कुछ कदम की दूरी पे, तो ये जो निकला तो फिर नीचे ही जंगल से थोड़ा दूर गया कि कहीं गोली न मारे।